सपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। भाई नीचे उतरो, भाई नीचे उतरो। बेहद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इंद्रलोक की इस वीडियो को जो आपने देखा है, इसको लोग बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं और उसके पीछे एक वजह ये बता रहे हैं कि मनोज कुमार तोमर जो चौकी इंचार्ज नमाजियों के ऊपर लाते बरसा रहा था, घूंसे मार रहा था, उस चौकी इंचार्ज को और बाकी पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। बेहद गाली गलौज इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो के साथ में एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो टेक्स्ट मैसेज भी है और ऑडियो मैसेज भी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर, उसको कोर्ट में पेश करने के दौरान पब्लिक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा है, उसको मारा है। पुलिस की मौजूदगी में उसको कोर्ट में पेशी के वक्त में सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये जिस वक्त की वीडियो थी इंद्रलोक की, हम खुद वहाँ पर मौजूद थे। हिंदुस्तान लाइव पर लाइव मेरा प्रसारण चल रहा था और आप लोग लाइव कवरेज देख रहे थे उस वक्त में। ये तब की बात है जब कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर आए थे, पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी और कुछ लोगों ने अफवाह के तौर पर, र्यूमर के तौर पर ये बोल दिया कि ये जो पुलिस वाले हैं इन ऑफिसर्स के बीच में उस आरोपी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर भी है। बस फिर क्या था, लोग बिना कुछ सोचे समझे अचानक से उस भीड़ की तरफ जहां पुलिस ऑफिसर्स जा रहे थे दूसरे पुलिस वालों के ऊपर झपटने लगे। ये सब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सोशल मीडिया पर दिलीप सिंह नाम का कोई शख्स है, उसने ये ट्विटर पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डाला और उसके बाद ये कहा कि देख लो किस तरीके से मुसलमान एकजुटता दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर को मार रहे हैं, और उसने तरह तरह की बातें इसमें लिखी हैं। इसको लेकर के डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने मीडिया के लोगों को, उन्होंने स्पष्ट किया है, उसको वाजह किया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। दिस ट्वीट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग, दिस इज़ फेक, नो सच इंसिडेंट एज मैंशनड इन द पोस्ट हैपन्ड, दिस इज़ द वीडियो of when senior officers had reached the spot। उसने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ वीडियो के हवाले से ट्वीट किया गया है वो सब फर्जी है, वो फेक है। उन्होंने भी यही बात कही है, जिस वक्त ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच रहे थे इंद्रलोक में उस इंसिडेंट के बाद में, ये तब ऑफिसर्स की मौजूदगी में तमाम भीड़ थी जहाँ ये अफवाह फैल गई कि उस पुलिस वाले को ले जाया जा रहा है। हम अपने कैमरे से भी लाइव कर रहे थे सब कुछ, एक एक चीज़, एक एक पहलू आप लोगों को लाइव कवरेज के दौरान भी दिखाया था। मैं आज आप लोगों को दोबारा से दिखाना चाहता हूँ किस तरीके के वो हालात थे। और जब ये वीडियो शूट की गई जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बताया जा रहा है कि मनोज कुमार तोमर को, उसी आरोपी पुलिस वाले को, पब्लिक ने घेर कर मारा है, गाली गलौज की है, ये सब कुछ किया है, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, नमाज हो रही थी और नमाजी सजदे में थे और वो पीछे लात मारता हुआ आ रहा था, उस वक्त के बाद ही कुछ लोग गुस्से में आ गए थे और उसे जब ही मुंहजोरी होने लगी थी, उसको लग रहा था कि अब मामला बिगड़ जाएगा, तो वहीं एक डीटीसी बस में वो बैठ करके फरार हो गया था। वो कोर्ट में फ़िलहाल कहीं पेश नहीं हुआ। और ये जो वीडियो की सत्यता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये एक फेक वीडियो है जो सर्कुलेट की गई थी। और क्या कुछ तस्वीरें थीं उस वक्त की, हालात की, जो ऑफिसर्स की मौजूदगी थी जब पब्लिक ने घेरा हुआ था, वो भी हमने शूट किया था। देखिए तमाम उन पहलुओं। ज़िला के जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं और बस कोशिश यही कर रहे हैं लोग के किसी तरह अमन बहाली हो। ट्रैफिक का ये हाल है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रैपिड एक्शन पुलिस हो फोर्स सब 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 कुछ यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा गया कि लात मारते, उसमें क्या एक्शन लिया गया? ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे भैया पीछे लोग क्या ले रहे हो यार भाई? सर अब सिचुएशन कैसी है, काफी भीड़ है, आप पेट्रोलिंग? भीड़ तो नॉर्मली भीड़ रहती है, भीड़ वाला इलाका है, बट अभी सिचुएशन नॉर्मल है। हम हमारे लोकल कम्युनिटी है,
लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके सिचुएशन को संभाले हुए हैं और अब बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है। रेपिटेशन फोर्स भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई, फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा यहाँ पे, प्रिकॉशनरी तौर पे फोर्स डिप्लॉयमेंट तो रहेगा बट सिचुएशन नॉर्मल। कुछ ऐसी भी कुछ सिचुएशन आई है लोगों को दिला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं? मनोज जी कुछ अशरारती तत्व भी इसमें घुस सकते हैं, उन पर भी नजर है पुलिस की? हाँ जी बिल्कुल है, और मेरी यही अपील है कि अब कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी यही अपील है आप सबसे कि सब हो गया है। ये आप लोग देख रहे हैं डीसीपी मनोज कुमार मीना खुले तौर पर अपील कर रहे हैं कि मेरी अपील है लोगों से प्रदर्शन नहीं करें, हंगामा नहीं करें किसी तरीके से। सारे अधिकारियों को पब्लिक ने कुछ इस तरह से घेरा हुआ है, ये आप लोग देखें पीछे तक, बस ये कि सस्पेंड नहीं हमको टर्मिनेशन चाहिए। तो अब अमन की कोशिश और अपील मुसलसल की जा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। सागर सिंह कलसी हैं, मनोज कुमार मीना हैं, जॉइंट सीपी प्रमदित्य सभी मौके पर मौजूद हैं और समझाने की कोशिश सिर्फ इस बात की हो रही है लोगों को कि आप लोग जो है उसको समझें। मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 5 है उसको बंद किया गया है, उसके अलावा जो इंटरनेट सर्विसेज हैं इस इंदरलोक इलाके की उनको कुछ हद तक बंद किया है। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सड़क पर आ गए, नमाजियों के ऊपर इस तरह से लाते घूंसे करना, जूते लाते चलाना और उनको सजदे की हालत के अंदर खदेड़ना, ये कहाँ का तुक और इंसाफ है। इस वक्त आप देखें घरों के अंदर से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी देख रहे हैं कि आखिर इस अमन पूरे शांतिपूर्वक इलाके में ये हुआ क्या। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास का नीचे की जगह है, इसको पूरा बंद किया हुआ था, दोनों रोड का ट्रैफिक अब फिलहाल खोला है। लोगों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो इलाके में बरकरार रहनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं क्योंकि राजधानी दिल्ली ने जिस तरह 2020 के दंगे देखे हैं, लोगों को मरते सिसकते जलते लूटते बर्बाद होते हुए देखा है दिल्ली ने, वो अब दिल्ली देखना नहीं चाहती। आज तक लोग उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं, तमाम अफसरों को गाड़ी में अब यहाँ से बिठाया जा रहा है, आवाम जो है वो अभी अफसरों की गाड़ी के आगे है और ये सब बस ये चाह रहे हैं किसी तरीके से कि हालात जो है वो काबू में रहे। भीम आर्मी की टीम पहुंची है, हाँ। इस लड़ाई को लड़ी जाएगी क्योंकि अभी एक जो है लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, क्या दिल्ली पुलिस द्वारा के उस आईओ को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एसएचओ सस्पेंड हो, 1000% एसएचओ सस्पेंड होगा। यानी ये इंदरलोक है और इंदरलोक से पूरी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजेगी, ये याद रखना, ये सिर्फ इंदरलोक का मामला नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यह मामला है पूरे भारत के 20% मुसलमानों के दिलों को आहत करने का काम किया है, उनके दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया है और यह मुस्लिम समाज और पूरा बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस लड़ाई को पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे अगर ऐसे चौक सस्पेंड नहीं किया गया। आप लोगों को बता दूं कि इस वाकये के सामने के आने के बाद में अलग अलग सियासी समाजी जो जमातें हैं पार्टियां हैं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं। अभी मैंने देखा भीम आर्मी के हो या AIMIM के लोग हो, सभी जो पदाधिकारी हैं वो तक यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक अहम चौराहा है, मैं आपको दिखा दूं इंदरलोक का, जिसको कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर से उस वक्त में कि जब अगर प्रदर्शन के हालात हों। CINRC का जो आंदोलन था वो उस वक्त वहाँ हो रहा था और आज जो है अगर मैं देखूँ तो ये इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे की तरफ की तस्वीरें, चाहे वो ज़खीरे की तरफ जाने वाला रास्ता हो या और जो दूसरे वेस्ट दिल्ली ईस्ट दिल्ली का रास्ता हो, ये पूरे इसको हालात को काबू करने के लिए यहाँ तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। बहुत अहम चौराहा है, यहाँ से सराय रोहिला, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली को यहाँ से जोड़ा जाता है। इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है वो अभी शट डाउन किया गया है इलाके में ताकि लोग जो है वो र्यूमर्स वगैरह ना फैलाएं या फिर जो बदमनी है वो और नहीं बढ़ जाए, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि ये लोग अपने घरों को यहाँ से अब चले जाएं क्योंकि उस पुलिस वाले को, सब इंस्पेक्टर मनोज को सस्पेंड भी कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, अलग अलग थानों की, अलग अलग ज़िलों के स्टाफ को, पुलिस को, सबको यहाँ बुला करके तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके से अमन कायम हो जाए और माहौल जो है वो नहीं बिगड़ पाए मुनज़्ज़िम तरीके से। तस्वीरों ने पूरे दिल्ली समेत पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी लोगों के दिलों के अंदर और लोग बेहद गम रंज और गुस्से में हैं कि आखिर ये पुलिस का कैसा चेहरा सामने आया है।
आप लोग हमारे साथ इंदर लोक से जुड़े इस खबर पर आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।